नमस्कार सत श्रीकाल वालेकुम मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल और सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं हल्की हल्की धूप अब अच्छी लगने लगी है और आज आपको एक ढाई एकड़ में बनी गेटेड सोसाइटी जिसके चारों तरफ लोग ऑलरेडी रह रहे हैं भरा पूरा इलाका है और सारी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ वो आपको दिखाने आए हैं लेकिन दिखाने से पहले एक शेर याद आ रहा था वो क्योंकि बहुत बार हमने एक शब्द सुना होता है उर्दू का शब्द है रकीब तो कई बार हम इसको अपने हिसाब से इसका मतलब समझ लेते हैं बट असल में इसका मकसद ये है रकीब उसको बोलते हैं कि अगर दो बंदे एक ही शख्स को प्यार कर रहे हों तो वो दोनों आपस में रकीब हो जाते हैं मान लो एक लड़की को दो लड़के प्यार करते हैं तो दोनों लड़के आपस में रकीब हो गए तो शायर ने इस शब्द का इस्तेमाल एक पॉजिटिव वे में किया है तो उसने कहा कि आ गले लग जा मेरे रकीब आ गले लग जा मेरे रकीब के तुझे मुबारक हो आ गले लग जा मेरे रकीब के तुझे मुबारक हो जो शख्स कल तक मेरा था वो आज तेरा हो गया तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है कि कल तक जो मेरा था आज तेरा हो गया है तो रकीब दुश्मन ना मानकर उससे उसको बेस्ट विशेष जो आज का जमाने में ये यंगस्टर कर रहे हैं कि आज किसी के साथ चक्कर है कल आगे ट्रांसफर हो गया तो फिर उसको आगे बेस्ट विशेष दी जा रही हैं तो आज के मौके को देखकर कर ये शब्द यूज किया गया है और एक शब्द है पाव फेरा जब दुल्हन जाती है अपने ससुराल और उसके बाद फिर वो वापस आती है पाँव फेरा डालने तो ये दूसरी लाइन में उस शब्द को इम्पोर्ट इम्पोर्टेंस दी गई है कि कैसे लड़की का नहीं लड़की का भी पाँव फेरा हो सकता है तो, तो पूरा कंप्लीट शेर में सुना देता हूँ कि आ गले लग जा मुबारक हो तुझे मेरे रकीब जो शख्स कल तक मेरा था वो आज तेरा हो गया और वही दरवाजा वही नजर वही शख्स और वही सर्द आह आज उसकी गली में फिर से मेरा पांव फेरा हो गया तो आज इस कॉलोनी के अंदर पांव फेरा हमारा दोबारा हुआ है क्योंकि पहले भी हम इस कॉलोनी में आ चुके हैं पहले एक वीडियो बनाई थी तब यहाँ पे सिर्फ प्लॉटिंग की बात की थी लेकिन अब प्लॉटिंग बेचनी बंद कर दी है और यहाँ पे अब सिर्फ विलाज बन रहे हैं 48 एट विलास बन रहे हैं 107 गज के 4 बी के और ये पीछे अंसल का टावर है सेक्टर 115 का और आ, सामने जो दीवार है उसके पीछे आइए चल के दिखाते हैं आपको कि दीवार के जो पीछे है वो सड़क है तो ये जो पीछे दीवार है दीवार के उस तरफ सड़क है जिसमें गाड़ियां खड़ी हुई हैं और यहाँ इस तरफ ये नॉर्थ फेसिंग विला होंगे और ये डबल साइड ओपन विला होंगे पीछे भी ओपन रहेगा आगे भी ओपन रहेगा पीछे ये पेड़ लगे हुए हैं ये यादर्ज रहेंगे क्योंकि पीछे अंसल का डिलीवर्ड बजट है बहुत पुराना तो ये आ, अब इतनी धूप है कहते हैं कि धूप नहीं आ रही तो यहाँ पे फुल धूप आ रही है कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और नॉर्थ फेसिंग है और बिल्कुल सामने इस तरफ ये सारे का सारा ये पैंतीस फिट की रोड रहेगी और ये सामने जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे शोरूम बन रहे हैं तो यहाँ पे सोलह बाय चालीस के शोरूम बन रहे हैं जिनके पीछे भी दस फिट की रोड है और आगे चालीस फिट की पार्किंग है और पीछे दस फिट की है और पीछे फिर विला बनेंगे ये भी डबल साइड ओपन हो जाएंगे इस तरफ ये कोने के ऊपर ये जो पेड़ लगे हैं यहाँ पे पार्क बनेंगी तो ये पार्क बन जाएगी और ये जो विला होंगे ये ढाई एकड़ के अंदर आपको छोटा सा पार्क भी मिल रहा है और कम्युनिटी सेंटर भी मिल जाएगा और कम्युनिटी सेंटर में जो गेस्ट आएंगे उनके लिए रूम्स भी बनाने की प्रोविजन है एस टी पी भी ये लगा रहे हैं और सभी का पावर बैकअप भी आपको मिलेगा सभी विलास को एक कॉमन जनरेटर से पावर बैकअप भी मिलेगा और घर के बिल्कुल गेट के ऊपर ये दुकानें आपको मिल जाएंगी शोरूम मिल जाएंगे इन शोरूम के अंदर लिफ्ट होगी और ये ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, थर्ड इस तरीके से ये बने होंगे और लिफ्ट के प्रोविजन होगी सामने इसका गेट जो लगा हुआ है वो है और ये गेटेड सोसाइटी ढाई एकड़ की है और सामने ट्रू फिटनेस करके वो जो दुकान दिख रही है उससे दस दुकानें छोड़ के मेन रोड है जो खरड की लांड्रा रोड बोलते हैं वो मेन रोड है और मेन चौक है तो जस्ट आप मेन रोड से अंदर आओगे और ये वेला आपका आ जाएगा तो इतनी नियरेस्ट कोई और टाउनशिप नहीं है बिल्कुल रोड के साथ में कमर्शियल कमर्शियल के पीछे ये ढाई एकड़ की सोसाइटी अब यहाँ पे जो प्राइस है फोर बी के का 107 गज का आ, बिल्कुल तैयार करके बहुत बढ़िया क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन करके और इसका जो डिजाइन रहेगा वो स्पेनिश डिजाइन रहेगा जिसके अंदर फ्रंट पे बालकनी भी आएगी काफी अच्छा डिजाइन यहाँ रहने वाला है तो ये बन के तैयार होगा आने वाले तीन से छः महीने के अंदर और इसकी प्राइस जो आज की है वो है नब्बे लाख रुपया आज की प्राइस है नब्बे लाख रुपया तो छह महीने के बाद ये ब्रांड की ऐसी कहते हैं कि प्लानिंग है कि इसको एक करोड़ प्लस लेके जाएंगे लेकिन जो आज बुक करेगा उसको दो बेनिफिट हो जाएंगे एक तो घर उसका उसके आंखों के सामने तैयार हो जाएगा क्या सामान बिल्डर लगा रहा है वो उसके सामने दिखेगा दूसरा बने हुए मकान की रजिस्ट्री जो होती है वो महंगी होती है अभी फिलहाल उनको प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाएगी तो उनका स्टैंप ड्यूटी बच जाएगी और जो लोन होता है वो प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन का पास हो जाएगा पहले पेमेंट प्लॉट किया जाएगी बाद में कंस्ट्रक्शन के पैसे आते रहेंगे और घर आपका बनता रहेगा आपका घर आपके हिसाब से डिजाइन होगा ये एक संतुष्टि रहती है कि जी हमें पता है कि हमारे घर में क्या लगाया गया है जब सीमेंट को आ, से प्लस्तर कर दिया जाता है घर को और पेंट कर दिया जाता है फिर समझ नहीं आती कि अंदर क्या लगा था कहाँ पिलर था क्या था कुछ पता नहीं लगता तो इस तरीके से अगर आपके पास तीन से छः महीने का टाइम है और आप अपना रजिस्ट्री खर्चा जो स्टैंप ड्यूटी होती है वो बचाना चाहते हैं और आप अपनी आंखों के सामने आपका घर तैयार होता देखना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए अच्छी हो सकती है और आज आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा जो मार्केट प्राइस पे इस इलाके के अंदर जो प्राइस हो चुका है क्योंकि तो रोड के इतना नज़दीक कोई और प्रोजेक्ट है नहीं है जो भी प्रोजेक्ट आएंगे वो रोड से एक सवा किलोमीटर अंदर होंगे इतना नज़दीक नहीं होंगे और ये बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया के अंदर है और यहाँ पे रेंटल बहुत अच्छा आएगा आपको अगर आपका फर्स्ट फ्लोर दो बेडरूम फर्स्ट पे हैं दो नीचे हैं दो आप अपने ऑकुपाई कर सकते हैं दो ऊपर वाले आपको रेंट पे तो यहाँ पे जो रेंट आएगा दो बेडरूम का आ, वो बीस हजार के आसपास आपको आ सकता है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट जोन है और आई के लोग भी यहाँ रहते हैं और भी बहुत आ, जो लोग हैं जो यहाँ पे प्राइवेट जॉब करते हैं वो भी यहाँ रहते हैं तो उस तरीके से ये इनकम आपको जनरेट हो सकती है फर्स्ट फ्लोर से और विला ये अभी बनने स्टार्ट होंगे इसके अंदर सीमेंट ब्रिक्स यूज होंगी हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज होगा और वो आपको की आंखों के सामने होगा और घर के सामने जो शोरूम है इसमें भी आप शोरूम बुक कर सकते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन चालू हो चुकी है लेंटर फर्स्ट पड़ चुका है और आने वाले तीन महीने में ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर भी रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे भी कमर्शियल में भी अवेलेबिलिटी है रेजिडेंशियल में भी अवेलेबिलिटी है लेकिन ये सब कुछ आपको बिल्डअप मिल रहा है तो अगर आप ऐसा ही कुछ देख रहे थे ढूंढ रहे थे जिसकी आपको रेंटल इनकम भी आ जाए और आपको बिल्कुल रोड के पास में भी आ जाए और इससे बाहर निकलोगे तो दो किलोमीटर पर आपको दो फुट एयरपोर्ट रोड को जो कनेक्ट करने वाली रोड है वो मिल जाएगी और आगे चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो मिल जाएंगे तो लोकेशन ठीक ठाक है प्राइस आज के हिसाब से ठीक है आ, बाकी अगर आपकी पॉकेट नहीं लॉ करती है इसको तो हमारी बहुत सी और भी वीडियोस हैं आप वो देख सकते हैं तो हमारे पास तो और भी वैरायटी है तो आप वो भी देख सकते हैं उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी आज के लिए इतना तो ही मिलते हैं बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ धन्यवाद